हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सॉल्यूशन पर। फ्रेंड, मैं हूं नीलम और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बच्चों के लिए 6 पेंटिंग आइडियाज, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आइडियाज हैं। ये पेंटिंग फ्रेंड आपके छोटे से छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और बहुत ही मज़े से करेंगे। और फ्रेंड, ये पेंटिंग बहुत ही फटाफट से बन जाती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो चलिए, पहली पेंटिंग के लिए फ्रेंड मैं यहाँ पर धनिया के तने का यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हो, धनिया के जड़ के जो हिस्सा है उससे थोड़ा बढ़ाकर हमने इसको काटा है और इसको आपको फ्रेश लेना है, मुरझाया हुआ नहीं लेना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे लाल रंग का एक सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दें। उसके बाद एक घंटे का निशान आएगा, उसे भी दबा दें। इस तरह से आप हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आती है फ्रेंड तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और आपका जो भी इस वीडियो के बारे में राय है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहली पेंटिंग बनाने के लिए फ्रेंड मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ एक ट्री। फ्रेंड, मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बचपन में भी मैं बिल्कुल अच्छी ड्राइंग नहीं करती थी। तो आपको मेरी ड्राइंग ना पसंद आए तो इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज। आप इससे भी अच्छी ड्राइंग करके बच्चों को पेंटिंग के लिए दे सकते हो। अगर आप ड्रॉ करके बच्चों को देते हैं तो बच्चों को पता होता है कि उन्हें कितनी दूर में कलर फिल करना है, इससे उन्हें आसानी होती है। तो इस ट्री को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लिया है, आप डार्क ग्रीन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको कलर में डिप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें भरना नहीं है, बस इसमें अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद हम इस पर कलर करेंगे। ये पेंटिंग फ्रेंड बहुत ही फटाफट से बन जाती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड, आप एक बार करवा के देखिएगा ये पेंटिंग और प्लीज़ हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि ये आपके बच्चों को कैसा लगा। तो इस तरह से हम इस ट्री को कलर कर देंगे। अगर आप घास का मैदान बना रहे हैं या जंगल बना रहे हैं तो भी इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छी पेंटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड, बच्चों की स्किल और क्रिएटिविटी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें, आपको उससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। और वही वीडियोज़ भी अगर आपको पसंद आती हैं तो उन्हें भी अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड, आप चाहते हो कि इसमें फ्लावर भी दिखे तो आप कोई भी पिंक, येलो या कोई भी अपना मनपसंद कलर लेकर इसी तरह से बीच बीच में कलर कर दें, इससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आपको ट्री पर फ्लावर दिखाना है फ्रेंड तो फ्लावर दिखाने के लिए आपको लाइट कलर का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि येलो या लाइट पिंक या लाइट पर्पल का आपको यूज करना चाहिए। इससे आप अगर बीच बीच में कलर कर देते हैं तो आप देख सकते हो तने को कलर कर दिया है। तो फ्रेंड, अब आप देख सकते हो ये ट्री कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप बच्चों से ये पेंटिंग कराते हैं तो बच्चे देंगे ही मन लगा। और जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड, लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन में पूरे दिन बच्चे घर में ही हैं और बहुत ज़्यादा पेंटिंग बना सकते हैं और उनका टाइम भी पास हो जाएगा। दूसरी पेंटिंग के लिए फ्रेंड मैं यहाँ पर फिंगर पेंटिंग का यूज़ करूँगी, यानी फिंगर का यूज़ करूँगी। इसे फिंगर पेंटिंग या थंब पेंटिंग कहते हैं। अगर आप इसको थंब से करते हैं तो ये थंब पेंटिंग हो जाती है और फिंगर से करते हैं तो फ्रेंड फिंगर पेंटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर लाइट ग्रीन कलर का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेप्स जो होता है वो ग्रीन होता है। तो मैं सबसे पहले अपने फिंगर टिप को इस कलर में डिप कर लूँगी, वैसे पेंटिंग कर देंगे। आप चाहें तो फिंगर का जो आगे का पोर होता है, पूरे पोर की हेल्प से भी आप इसकी पेंटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ फिंगर टिप की हेल्प से ही कर रही हूँ। और आप अगर चाहें तो इसे थंब की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो ये थंब पेंटिंग हो जाएगी। काफ़ी खूबसूरत होती है, बच्चों के लिए बहुत ही आसान होती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो आपके बच्चों को भी ये आइडिया फ्रेंड बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला। पाइन एप्पल, ग्रेप्स या कोई भी अपना मनपसंद फ्रूट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत और आसान सी पेंटिंग और झटपट से बन जाती है। तीसरी पेंटिंग के लिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर रेड कलर लिया है, आप अपना कोई भी फेवरेट कलर ले सकते हो। और ये पेंटिंग हम मुट्ठी की सहायता से करने वाले हैं। तो मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा एक्साइट था, बोल रहा था मम्मा मुझे भी करना है। तो फ्रेंड ये पेंटिंग मैं अपने बेटे के ही हाथों से करवा रही हूँ। ये अभी 4 साल के हैं, इनके हाथों की हेल्प से मैं ये पेंटिंग करवा रही हूँ। इस तरह से मुट्ठी को बंद कर लेना है, अपने हाथ के नीचे के हिस्से को डिप कर लेना है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से प्रेस करते हुए उसे प्रिंट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत सी डिज़ाइन बन रही है। आप इससे किसी भी तरह का फ्लावर बना सकते हो, लेकिन मैं कुछ और बनाने वाली हूँ, मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है और फटाफट से बनने वाला ये पेंटिंग आर्ट। फुट आप देख सकते हैं, जैसे बच्चों के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पैर होते हैं,
वैसी ही ये पेंटिंग है, आप अपना फेवरेट कलर ले सकते हो या आप चाहें तो दो तीन कलर को लगाकर भी ये पेंटिंग बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो ये देखिए फ्रेंड कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे छोटे बच्चे का खूबसूरत सा पैर होता है वैसे। फ्रेंड ये पेंटिंग मैंने लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से करवाई है, जिससे लेफ्ट एंड राइट फुट दोनों ही बन जाते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और आपके बच्चों को ये पेंटिंग करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। फ्रेंड अगर आपको ये पेंटिंग पसंद आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमें ये भी बताइएगा आपको कौन सा पेंटिंग आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो ये देखिए फ्रेंड कितनी खूबसूरत सी बेबी फुट पेंटिंग बनी है, पेंटिंग आप बेबी के फुट पर कलर लगाकर भी कर सकते हो। तो फ्रेंड नेक्स्ट पेंटिंग मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ पाम पेंटिंग, पाम यानी कि हथेली, हथेली से मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने अपने बेटे के हाथ पर कलर लगा दिया है, मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज कर रही हूँ, आप अपना कोई भी फेवरेट कलर यूज कर सकते हो। फ्रेंड आप कलर जितना ज़्यादा अच्छा लेंगे पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और बच्चों का उतना ही ज़्यादा मन लगेगा, तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत और आसान बना सकते हो। मैंने इनके पाम पर येलो कलर लगा दिया है और मैं यहाँ पर अंगूठे पर रेड कलर का यूज कर रही हूँ, आप अपना कोई भी मनपसंद कलर ले सकते हो। आप अगर और भी अलग अलग तरह के कलर का यूज कर सकते हो, तो जैसा कि इमेज में दिखाया गया है आप इस तरह से कई तरह के कलर को लगाकर भी ये पेंटिंग बना सकते हो। आप इसे हेन, कॉक या पी हेन और कुछ भी बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके प्रिंट कर दिया है, तो ये देखिए आप देख सकते हो हेड एंड फेदर सब कुछ बन गया है। तो अब मैं इसमें चोंच बना दूंगी और इसका पैर बना दूंगी, तो ये बर्ड बन जाएगा। अगर आप इसे मुर्गा बनाना चाहते हो तो आप इसके ऊपर कलगी बना सकते हो। अगर आप इसको मोर बनाना चाहते हो तो अपने पसंद के हिसाब से आप इसे ग्रीन, ब्लू इस तरह के कलर लेकर इसको मोर भी बना सकते हो। तो फ्रेंड आपने देखा बिना स्केच ब्रश का यूज किए किस तरह से ये पेंटिंग बन रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो आप अपने बच्चों को इस लॉकडाउन में बिजी भी रख सकते हैं और उन्हें क्रिएटिव भी बना सकते हैं, इस तरह से बच्चों का दिन भी बहुत ही मज़े से कटेगा और उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिलता रहेगा। तो ये बन गया फ्रेंड हमारा पिजन, आप कोई भी मनपसंद बर्ड बना सकते हो। तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत अच्छी लग रही है फ्रेंड। नेक्स्ट पेंटिंग के लिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिया है पोटैटो, इस पर मैंने फ्लावर की शेप काट लिए हैं, आप अपने तरीके से किसी भी तरह के डिज़ाइन इस पर कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फ्लावर बनाने वाली हूँ, फ्लावर ट्री बनाने वाली हूँ, तो आप भी किसी भी तरह का फ्लावर बना सकते हो। मैंने यहाँ पर रेड एंड येलो का मिक्स कलर लिया है, आप अपना कोई भी मनपसंद कलर ले सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा और कितना आसानी से फ्लावर बन रहा है। आप कलर अगर और भी ज़्यादा खूबसूरत लेते हो तो पेंटिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और बिना पेंसिल का यूज़ किए, बिना ब्रश स्केच का यूज़ किए बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड अगर आपको पोटैटो पेंटिंग करने में दिक्कत होती है तो आप आलू की चम्मच या पेन घुसाकर उसके बाद उसे कलर में लगाकर छापेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लावर बनेगा और बिल्कुल मैसी नहीं होगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड बहुत ही अच्छा सा फूलों का पेड़ बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट पेंटिंग फ्रेंड मैं यहाँ पर करने वाली हूँ कांटे वाले चम्मच की हेल्प से। कांटे वाले चम्मच पर मैंने इस तरह से पीछे की साइड में कलर लगा दिया है, आप अपना कोई भी ब्लू, ग्रीन, रेड किसी भी तरह का अपना फेवरेट कलर ले सकते हो। उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर फ्लावर बनाने वाली हूँ, आप अपने तरीके से इसे और भी खूबसूरत और बड़ा फ्लावर बना सकते हो। तो इस तरह से मैं इसको प्रिंट कर दूंगी और ये एक बहुत ही अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है जिससे सारे कलर अच्छे से प्रिंट हो। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा फूल बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब मैं इसमें पत्तियां बना देती हूँ जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अगर आप फूल को और भी ज़्यादा घना करना चाहते हैं तो और घना कर सकते हैं, या आप इसे गोल शेप देना चाहते हैं तो इसे गोल फ्लावर भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड ये पेंटिंग आइडिया भी काफ़ी अच्छा था, और बिना ब्रश स्केच का यूज़ किए ये पेंटिंग भी बन जाती है और बच्चों को करने में बहुत ही मज़ा आता है। आपको मैं एक बार फिर से ये सारी पेंटिंग दिखा देती हूँ जिससे आप इन्हें फिर से देख लें और आप अपने बच्चों को आसानी से इन पेंटिंग्स को करवा सकें और उन्हें क्रिएटिव बना सके। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे आइडियाज़ पसंद आते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर जरूर करिएगा, इससे और भी बच्चों को हेल्प मिलेगी और भी बच्चों को आपके थ्रू कुछ नया सीखने को मिलेगा। कौन सा पेंटिंग आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा फ्रेंड, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।